शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई हुई है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और अभी भी इसकी कमाई जारी है। शाहरुख खान की जवान ने बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसकी अक्षय कुमार ने तारीफ की है। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जवान के आगे अक्षय की फिल्म ने घुटने टेक दिए हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि फ्यूचर के लिए जवान ने 2000 से 3000 करोड़ का बेंचमार्क सेट कर दिया है। शाहरुख खान की पठान, जवान और सरदियों की गदर 2 बड़े पर्दे पर चाम वापस लेकर आए हैं। इन तीनों ही फिल्मों ने शानदार कलेक्शन किया है और जब तक इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की लिस्ट में शामिल भी हो गई है। फिल्मों की शानदार कलेक्शन पर अक्षय कुमार के रिएक्शन आए हैं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने शाहरुख खान की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडस्ट्री और ज्यादा हिट फिल्में दे। जब शाहरुख खान की जवान ने इतना अच्छा बिजनेस किया तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूं। गदर 2 और ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्मों ने भी अच्छा कलेक्शन किया, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि 1000 करोड़ का बेंचमार्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 से 3000 करोड़ की फिल्में बनाएं, फिर हम हॉलीवुड टाइप की फिल्में बना सकते हैं। जिस तरह का सिनेमा, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट उनके पास है, वो हमारे पास नहीं है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज की बात करें तो इसमें उनके साथ परिणीति चोपड़ा लीड रोल में नजर आई थी। ये फिल्म अब तक मात्र 13 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है और ऐसे में अभी पूरा वीक भी बाकी है। माना जा रहा है कि ये जल्द ही अपनी स्पीड पकड़ेगी, लेकिन अभी कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जवान को बेट करना काफी ज्यादा पिक्चर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जवान की स्टोरी लाइन, जवान का एक्शन और उसके डायलॉग्स काफी ज्यादा दमदार थे, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पैर जमा कर बैठे हुए हैं। वेल, आपने क्या मिशन रानीगंज देख ली है या आपके सर पर भी जवान का ही जादू है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।